हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि के तिवारी चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कांच की बोतल पे अपना DIY किया था और मैंने उसमें बताया था आपको डॉट पेंटिंग करना। तो उसी वीडियो में कमेंट आया था कि इसी वीडियो से जुड़ा हुआ या इसी सीरीज में एक और वीडियो बनाइए। तो चलिए उसी पर एक टॉपिक आज मैंने चुना है, उस पर बनाते हैं। तो ये देखिए कांच की बोतल है, मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। कलर जो हम यूज़ करेंगे ये आपके सामने है, एक्रिलिक कलर बेस्ट होते हैं। इसके बाद पहले आपको सारी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ या सामान दिखा देती हूँ। हमें एक सीजर चाहिएगी और इस टाइप का कोई भी आप टेप ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये वाला टेप है, जो नॉर्मल सेलो टेप आता है आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं भी आज का जो हमारा टूल है कलर करने का, फॉर्म ही है। देखिए मैं भी ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ कांच की बोतल पे कलर करने में, इसीलिए मैं फॉर्म का यूज़ करती हूँ। बेस्ट तरीका है किसी भी पर्सन के लिए कलर करने का, बहुत जल्दी से कलर हो जाता है। तो जो मेरी तरह मेरा भाई बहन कलर करने में कंफर्टेबल नहीं है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, वो इससे ज़रूर कलर करना एक बार स्टार्ट करे। तो मन चाहा कलर आप इससे कर सकते हो और ब्रश की बजाय बहुत जल्दी हो जाता है और कोई भी निशान नहीं रहते हैं, जैसे ब्रश से हो जाते हैं इससे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मैं अपना मन चाहा कलर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बार थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है बनाने का तरीका, ठीक है। तो सेलो टेप जो हमने लिया है, आप इसे कोई भी टेप बोलना, मैं सेलो टेप ही बोलूँगी ताकि सब समझ सके कि ये कौन सा टेप है। तो टेप आपको चौड़ा पतला जिस भी तरीके का हो आप वो ले लेना। और मैं इसमें इसकी हेल्प से बहुत अच्छा पैटर्न बनाना सोच रही हूँ। थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे वीडियो इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इस टाइप से इस पर दो मार्क कर लूँगी, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ ऐसे घुमाते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस टाइप से आपको इसको चिपका लेना है। जब यहाँ पर आपका ये बिल्कुल आकर ऐसे मिल जाए, यहाँ तक आपका ये आ जाए, तो आप इसको कट करके बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो हम भी इसे कट कर बाहर निकाल लेते हैं। कट करने के बाद इसका जो एंड पॉइंट है आप इसको यहीं पर लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। या फिर बिल्कुल अच्छे से आप इसे लगा लेना। तो जैसे ऊपर लगाया है, नीचे भी मैं एक बार और इसको ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर अच्छे से दोनों ऊपर नीचे करके टेप लगा ली है। अगर आपसे टेप बिगड़ जाती है तो आप उसको दोबारा से लगा सकते हो। और मैंने रख लिया अपने पास थोड़ा सा पानी, ब्रश वगैरह जो है हमारा, उसको वाटर में डिप करने के लिए। फोम को एक बार आप वाटर में डिप कर लोगे तो इसमें ज़्यादा जो हमारा कलर है वो नहीं जाएगा। मैंने अपना मनचाहा कलर ले लिया है, पिंक कलर का। आप कोई सा भी कलर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो स्पंज है हम उसको अपने वाटर में सोक कर देते हैं, जिस तरफ से भी आपको कलर करना हो। ये देखिए, आप ये मत सोचना कि इसमें पहले से ही कलर लगा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको निचोड़ देंगे और पास में रख लीजिए एक पुराना क्लोथ, आप इस ब्रश को उससे साफ़ कर लीजिए। मैंने अपने ब्रश को उससे साफ़ कर लिया है, ब्रश ही बोलूँगी मैं इसे, क्योंकि ब्रश का ही तरह हम इससे काम करने वाले हैं। तो फटाफट से अपना कलर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर बाहर निकाल लिया है, ये देखिए। आप चाहो तो जो ट्रे आती है कलर वाली, आप वो ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, देख लीजिए, आपको अपना स्पंज पे थोड़ा सा कलर लेना है, ये देखिए साइड में रख देते हैं। और बिल्कुल बोतल को ऐसे उठा लीजिए, रख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। और ये वाला पोर्शन जो है हमारा, हम इस पर कलर करेंगे। आप चाहो तो इस पर ऊपर की तरफ भी कलर कर सकते हो, बट मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। जो मेरा एरिया खाली पड़ा है मैं उसी पर कर रही हूँ, ठीक है। मुझे लाइट कलर ही चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो आप क्या करोगे, पहले नीचे वाइट कलर कर लेना और उसके बाद बीच में इस पर आप अपना जो भी कलर करना चाहते हो वो कर लेना, ठीक है। बेस्ट होगा कि आप पहले वाइट कर लो। तो मुझे ज़्यादा कलर इस पर नहीं देना है क्योंकि मैं बाद में कुछ टाइम के बाद इस पर दूसरा DIY करूँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट कलर ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। वाइट कलर कर लोगे तो ये बिल्कुल निखर कर आएगा, बहुत अच्छे से इसकी साइन आएगी और हमारा कलर जो है वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। और भी इसको डार्क करने के लिए, तो देखिए कितनी देर लगी हमें इस पर कलर करने पर। देखिए आप देख सकते हो, आपके सामने ही टैप करते करते मैंने इस पर कलर कर दिया है। तो देखिए मेरा कलर जो है बिल्कुल लाइट है। और अगर आप चाहते हो कि ये कलर थोड़ा सा और डार्क हो तो आप इस पर दो कोट कर देना, ठीक है। तो अभी तो मैं एक ही कोट कर रही हूँ इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से दबाते हुए इस पर कलर कर लेना है। और ये देखिए, आपको हल्का सा इस वाली लाइन से टच करते हुए करना है, चाहो तो पूरा कर देना, क्योंकि जब हम यहाँ से ये टेप निकालेंगे ना तो हमें इक्वल लाइन मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कॉर्नर पे ज़रा सा भी ना छूटे, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए कोई बात नहीं, बट कॉर्नर पे बिल्कुल भी ना छूटे, इसका ध्यान आपको रखना है। तो बाकी हिस्सा जो बचा है ये वाला, और ऊपर की तरफ यहाँ भी मैं इसमें कलर कर लेती हूँ।
और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सूखने के बाद मैं इस पर एक और कोट कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। दो कोट करने के बाद मैं इसे सुखा लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बोतल का कलर जो है वो कैसा आया है, ठीक है। तो कलर कर लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह इस पर कलर कर दिया है और सिर्फ ऐसे ही हल्का सा कलर करने से ये कितनी प्रिटी लग रही है। तो जब हम इस पर और कुछ डेकोरेशन करेंगे तो ये कितनी अच्छी लगेगी। तो इसको सूखने का वेट करते हैं, एक और कोट करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए इसका कलर जो है वो अच्छे से सूख चुका है। एक दो घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए हम इसके ऊपर से अपना टेप निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो देखिए मेरा प्लास्टिक पेंट जो है वो अभी क्या है, मौसम में काफ़ी नमी है तो जिसकी वजह से लाइन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आई है। ये देखिए ये रबड़ की तरह से यहाँ से निकल गया है। तो मैं इसको फिनिशिंग कर लूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, सीधी चाहिए। तो मैं नीचे वाला भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको करेक्शन कर लिया है। आपने देखा ही था जब मैंने कैमरा ऑन किया था, टेप निकाली तो उसके साथ इसका कुछ पेंट निकल गया था। तो मैंने इसको कर लिया है थोड़ा सा करेक्शन। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप भी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने लिए है ये ईयरबड, ठीक है। तो अब हम कुछ पैटर्न बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बोतल को उठा लेते हैं और मनचाहा कलर ले लेते हैं, जो भी आप चाहो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। मैंने ये लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इस पर डॉट कलर ही करेंगे। ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको कैमरे में। तो हम इसको ऐसे डिप करेंगे इसके अंदर, ये देखिए हमारा कलर आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आप अपना कीजिए पिंक वाले के ऊपर, ठीक है। डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर करोगे तो बहुत अच्छा आएगा। तो सिंपल सा बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो देखिए ये देखिए हमने यहाँ टैप किया, फिर यहाँ टैप किया और इसके ऊपर एक और लगा दी हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। ये देखिए एक बार हमने कलर में डिप किया और उसके बाद हमारे तीन डॉट बनी है। तो आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी डिप कीजिए और जल्दी जल्दी लगाते जाइए। ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हमारा पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसे कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस डॉट पेंटिंग जो होती है उस टाइप से आपको करते जाना है। ये देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न जो है वो बन गया है। ये देखिए ऊपर की तरफ हमारी छोटी डॉट है और नीचे की तरफ हमारी बड़ी डॉट है। तो इसी को आप सभी जगह बना सकते हो, यहाँ यहाँ और यहाँ भी, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल रखना सोचा है। मैंने सोचा था कि मैं बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली रखूँगी ताकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखूँ जो क्लियर दिख सके। इसी पर्पज़ से मैंने बनाया था, जैसे बच्चों की छोटे छोटे से खिलौने होते हैं, बच्चों की छोटी सी बीड्स होती हैं, उनकी मार्बल्स होते हैं, उनके शॉर्पनर्स होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो जो मैं इसमें रखूं और वो बिल्कुल इसके अंदर से मुझे विजिबल हो, दिखाई दे, इस पर्पस से मैंने इसको बनाया था। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर उसकी हेयर रबड़ रख दी है, ठीक है। तो देखिए ये अंदर से विजिबल हो रही है ना, दिख रहा है ना, मुझे पता चल रहा है मैंने इसमें क्या रखा है। तो मैंने इसी पर्पस से इसको बनाया था। तो मैं इसको सारा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की तरफ मैंने सिंपल एक बॉर्डर रखा है तो इससे भी इसकी ब्यूटी काफ़ी इन्हांस हो रही है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर मैं छोटे छोटे से डॉट लगा लेती हूँ तो उससे भी ये काफ़ी अच्छा निखर कर आएगा। ये देखिए आपको ऐसे सीधा रखना है, ऐसे टेढ़ा बनाओगे तो आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल भी गोल नहीं आने वाला है। तो आपको इस टाइप से बिल्कुल आराम से बनाते जाना, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो पेंट लेते रहिए और बनाते जाइए, बहुत ईजी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितना इजी है करना। तो मैं इसको सारा आगे तक बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सभी जगह अच्छे से कलर कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ बीच में भी जैसे हमने पिंक कलर दिया है तो पिंक कलर की डॉट यहाँ लगा सकते हो।
आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही सिंपल रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने आपको बताया ही कि मुझे इसमें क्या रखना है। अगर मैं बीच में कलर कर दूँगी तो फिर मुझे मेरी चीज़ें इसमें नहीं दिख पाएंगी कि मैंने इसमें क्या रखा था, क्या रखा है या क्या रखा था। ठीक है, तो अभी गीला है, मैं बड़े आराम से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसा लगा, डॉट पेंटिंग आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटे का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।